हेलो एवरीवन, मैं सुनील चौधरी और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 133 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा एक ड्यूप्लेक्स हाउस, एक विला। और 25 का इसका फ्रंट है और 48 की इसकी डेप्थ है। नॉर्थ फेसिंग का आज का ये हाउस है। फ्रंट का जो वर्क है वो आप एक बार इसका देखिए, बहुत ही प्यारा इसका काम आपको मिलने वाला है। स्टोन एंड वुडन फिनिश के साथ में आपको इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। फ्रंट काफ़ी अच्छा आपको इसका मिल जाता है। साथ ही आप देखेंगे बाउंड्री वॉल पे, तो यहाँ पे आपको मिंट के साथ ही ग्रेनाइट का भी काम मिलने वाला है। एलिवेशन जो लाइट्स है वो घर की खूबसूरती को काफ़ी प्यारा यहाँ पे बना रही है। रैंप एरिया में भी आप देखेंगे तो यहाँ भी ग्रेनाइट का काम आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, ये जो अभी हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपके जयपुर में गांधी पथ पे लोकेटेड है। बहुत ही शानदार तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। पसंद आए प्रॉपर्टी आपको तो आप अपना प्यार बनाए रखें। अब देखिए, हम एंटर करते हैं इतने प्यारे से हाउस के अंदर। फ्रंट में आपको मिल जाता है एक बड़ा सा आपका गेट, ऊपर की तरफ सुंदर सी यहाँ पे गेट लाइट्स दी है, डिको स्प्रे पेंट किया हुआ आपका यहाँ पे मेन गेट रहने वाला है। सामने की तरफ यहाँ पे है पार्किंग एरिया, जहाँ पे एक कार आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। वाटर टैंक यहाँ पे है। एंड आप वॉल वगैरह पे देखेंगे तो काम आपको यहाँ पे टेक्सचर का मिलने वाला है। हाइट भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे दी हुई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो वुडन फिनिश के साथ काम है ये आपको पीवीसी के अंदर मिलने वाला है। साइड में भी देखते हैं आप, हाउस में एंटर करते ही राइट साइड में तो यहाँ भी एक जगह आपको मिल जाती है। लगभग 3 फीट वाइड आपको ये जगह मिलने वाली है। कॉर्नर में आपको वहाँ पर टेप का ऑप्शन मिलने वाला है। अब हम एंटर करते हैं अपने हाउस के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे डबल डोर आपको मिल जाता है। बाहर की तरफ देखिए, बहुत ही सुंदर सा और अच्छी हेवी क्वालिटी के साथ में यहाँ पे आपका डोर तैयार किया हुआ है। मेन जो आपका डोर है उसकी भी आप डिज़ाइंस देखिए, जो बिल्ट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है। एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि आपका जो लिविंग एरिया है उसकी तरफ की जो विंडो है देखिए कितनी बड़ी है, तो घर में प्रॉपर सनलाइट आपकी रहने वाली है। और अब हम मूव करते हैं हाउस के अंदर, तो एंटर करते ही सबसे पहले आपका यहाँ पे लिविंग एरिया आता है, ड्राइंग एरिया आपका यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आप देखिए लगभग 9 सीटर यहाँ पे एक सोफ़ा अरेंज किया हुआ है। सेंटर टेबल आपकी यहाँ पे है। और फ्रेंड्स, ये 133 गज़ में बना हुआ इंडिविजुअल हाउस आपको 1.25 CR के अंदर मिलने वाला है। नीचे डिटेल्स दी हुई है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे डिजाइनर यहाँ पे लाइट्स दी है। साथ ही यहाँ की जो लुकिंग है उसे अच्छी बनाने के लिए जो बैक साइड की आपकी वॉल है इसे यहाँ पे डिजाइनर तैयार किया गया है। सामने की तरफ एक बड़ी सी विंडो है, कर्टेन यहाँ पे दिए हैं और ग्लास का काम आपको यहाँ पे ग्रिल्स के साथ में मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो इस साइड में है आपका डाइनिंग एरिया। और ये जो पार्ट है ये काफ़ी यूनिक आपको मिलने वाला है। देखिए, हाउस हम इस चैनल पे काफ़ी देखते हैं लेकिन ये हाउस जो यूनिक हाउस होते हैं उनमें से एक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइज काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए जो वॉल है आपकी, ये वॉल यहाँ पे डिजाइनर बनाई गई है, डिजाइनर इसे लुक दिया है। साथ ही एक बहुत ही अच्छा सा आपको यहाँ पर मंदिर तैयार करके दिया जा रहा है। ऊपर की डिजाइन आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी प्यारी आपको मिलने वाली है। अब देखिए, इस हाउस का मैं आपको लेआउट बताऊं तो एंटर करते ही आपका लिविंग रूम आया था, लिविंग एरिया आया था, फिर साइड में आपका ये डाइनिंग एरिया, साइड में कॉर्नर में आपका यहाँ पे मंदिर है। अब देखिए, इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टेयर्स है और स्टेयर्स के नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट आपको दिया है। ये जो पार्ट है सीढ़ियों के नीचे की तरफ का, ये आपका ओपन रहे और जो यहाँ का स्पेस है वो आपको थोड़ा सा ओपन मिल सके, इसलिए यहाँ पे ऐसी डिजाइन यहाँ पे दी है। साइड में आपको कुछ स्टोरेज के लिए भी जगह मिल जाती है। लाइटिंग का काम देखेंगे तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए, आप यहाँ सीढ़ियों में देखते हैं, स्टेयर्स में अपने देखते हैं तो जो रेलिंग की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही यूनिक मिल रही है। काफ़ी बढ़िया आप ग्लास यहाँ पर यूज़ किया है। ऐसे में आपके यहाँ पर
जो रेलिंग का काम है वो आपको करके दिया जा रहा है। यहीं आप देखिए साइड में, तो ये है आपका वॉश बेसिन एरिया और इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। सेरा की आपकी यहाँ पे फिटिंग्स है, सैनिटरी फिटिंग काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है। लाइटिंग का काम यहाँ भी आप देखिए कितना अच्छा है। टेबल टॉप आपका यहाँ पे वॉश बेसिन तैयार किया है, ड्रॉवर्स यहाँ पे दिए हैं और अब साइड में आपका एक बेडरूम है और यहाँ आपकी किचन है। तो पहले देखने वाले हैं हम किचन, बाद में देखेंगे बेडरूम। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिए। अब देखिए किचन में आप एंटर करते हैं उससे पहले जो साइड में जो वर्क है वो कितना प्यारा यहाँ पे करके दिया जा रहा है वुडन में। यहाँ आप डेकोरेटिव आइटम रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आने वाला है। नीचे की तरफ देखिए काफ़ी बड़े यहाँ पर मिल जाते हैं आपको ड्रॉवर्स स्टोरेज के लिए। और यहाँ है आपकी एक बहुत ही बढ़िया सी शानदार सी किचन जिसमें कि दोनों तरफ आपको काउंटर टॉप दिए हैं। और ये जो काम है आपका यहाँ पे देखिए कलर जो कॉम्बिनेशन दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ऊपर की तरफ के कैबिनेट देखेंगे आप तो ये भी काफ़ी बढ़िया साइज़ में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ है एक चिमनी आपकी साइड में आप देखेंगे तो ये जो कैबिनेट्स दिए हैं हाइड्रोलिक आपको मिलने वाले हैं, साथ ही इनमें LED लाइट्स का यूज़ किया है। साउंड प्रूफ मिल जाता है आपको यहाँ पे सिंक एरिया। और यहाँ आप देखेंगे जो ड्रॉवर्स है वो आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ में यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ भी आपको कैबिनेट एंड ड्रॉवर दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ आपका फ्रीज के लिए जगह, ऊपर की डिजाइंस में आप देखेंगे तो फोर्थ सीलिंग का जो काम है वो आपको यहाँ भी करके दिया जा रहा है। आप देखिए किचन में ये यूनिक किचन क्यों है आपकी, क्योंकि यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट और मिल जाता है, डबल सिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई प्रोग्राम हो, बर्तन वगैरह कुछ ज़्यादा वॉश करने हो तो यहाँ पे सेपरेट अपने काम कर सकते हैं। उस साइड में खाना बनाना है वो काम आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वेंटिलेशन के लिए आपका ऊपर तक ओपन यहाँ से छोड़ा गया है। साइड में जो विंडो है आपके बेडरूम की है तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन जो है रूम में, किचन में सभी जगह मिलने वाला है। अब हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट यहाँ से आपके बेडरूम की तरफ और जो बेडरूम है उसे भी बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया है। यहाँ एंटर करने से पहले आपका जो बाथरूम एरिया है वो है और बाथरूम में आप एक बार ये जो नोटिस की होगी आपने, जो आपकी गेट की जो साइज है, डोर की जो साइज है वो बहुत अच्छी है, अराउंड 8 फीट के आसपास आपको मिल रही है। और जो बाथरूम है उसकी जो फिनिशिंग है वो आप एक बार देखिए, टाइल्स के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही यहाँ पे आप जो सीट्स देखेंगे, आपकी जो वेस्टर्न सीट है वो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ में दी जा रही है जो कि काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है। साइड में वेंटिलेशन के लिए पॉइंट है कॉर्नर में, शावर एरिया आपका वहाँ सेपरेट मिल जाता है। यहाँ कॉर्नर में देखते हैं तो आपका वॉश बेसिन है, साथ मिरर यहाँ पे है, लाइट आपको यहाँ पे अच्छी सी एक LED लगा के दी जा रही है। अब आप देखेंगे यहाँ बेडरूम, तो देखिए बेडरूम में एक किंग साइज का आपका बेड यहाँ पे अरेंज किया है। बेड के जो हेड का काम है वो पूरी वॉल पे आपको वुडन के साथ में करके दिया जा रहा है जो कि काफ़ी यूनिक आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। बहुत ही अच्छा दोनों साइड लैंप लाइट्स का यहाँ यूज किया है। बेड की जस्ट अपोजिट आप देखेंगे, सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये जो वॉल है इस पर कंप्लीट आपको देखिए कितना अच्छा काम करके दिया जा रहा है वुडन का। बड़ी से बड़ी LED आप आसानी से यहाँ लगा सकते हैं। साइड में एक मिरर एरिया आपका आ जाता है, ड्रेसिंग पार्ट आपका वहाँ पे है। नीचे की तरफ इसमें ड्रॉवर्स दिए हैं अच्छी सी साइज में। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ है आपकी वार्डरोब जो कि कंप्लीट यहाँ पे वुडन में तैयार की हुई है। लाइटिंग वगैरह का एक बार आप काम देख लीजिए ऊपर की तरफ किस तरीके का है। ये हमने कंप्लीट यहाँ पे अपना ग्राउंड फ्लोर विजिट किया। अब हम चलते हैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाला है। सीढ़ियों में आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में फुट लैंप आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही है ताकि स्टेयर्स आपको अच्छे से विजिबल हो। और यहाँ से आप देखते हुए एक बार वॉल पे जो काम है वो देखते हुए ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा आपको लॉबी एरिया मिलने वाला है। फिफ्टीन बाई ट्वेंटी की डायमेंशन में आपका ये लॉबी एरिया है जहां आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट करना चाहो, सोफ़ा वगैरह कुछ अरेंज करना चाहो वो आप इजीली यहां पे कर सकते हैं।
अब यहाँ भी आप देखिए वॉलपेपर का यूज किया है। ये जो वॉल है इस पे जो वर्क है वो आपको बड़ा ही यूनिक मिलने वाला है, मतलब जो आपकी जो डिजाइन है एलईडी पैनल की वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। स्टोरेज के लिए भी अच्छा सा यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ऊपर का जो पार्ट है, सीलिंग का जो पार्ट है, वो आप एक बार देखिए कितना प्यारा यहाँ पे डिजाइन किया है। और अब हम बालकनी एरिया देखते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पे बेडरूम। तीन यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे बेडरूम है। पहले एक बार बालकनी एरिया देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो आपका पार्टीशन यहाँ पे किया है, यहाँ UPVC आपको स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं। और यहाँ है एक बड़ी सी बालकनी जो कि कनेक्ट करती है आपके हॉल एरिया को, हॉल के एरिया को और एक बेडरूम के एरिया को। और यहाँ आप देखेंगे जो साइज है आपके यहाँ पे बालकनी की, बहुत ही बढ़िया साइज आपको मिल रही है। और यहाँ से ऊपर की जो डिजाइंस है उसमें देखिए PVC का काम आपको करके दिया जा रहा है। लाइटिंग का काम काफ़ी बढ़िया है। अब मैं आपको जो तीन अपने बेडरूम है वो विजिट कराता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं जो आपका छोटा रूम है, किड्स रूम है, वो देख रहे हैं। और इसे डिजाइन भी इसी तरीके से किया है छोटे बच्चों के हिसाब से, कि वो अपने एरिया को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उनका जो सामान है वो अपने हिसाब से सिस्टमेटिक वो अरेंज कर सके और वहाँ से ले सके। देखिए एक बेड यहाँ पे है, बेड के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल तैयार की है। ऊपर की तरफ LED यहाँ पे एक लैंप आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ रैक्स दी है, यहाँ अपना कुछ सामान रखना चाहे रख सकते हैं। पीछे की तरफ है इसमें UPVC आपकी स्लाइडिंग डोर, और कर्टेन यहाँ पे दिया है। अब देखिए इस साइड आप देखते हैं तो यहाँ आपका वार्डरोब का पार्ट है, और साइड में स्टोरेज के लिए अच्छी सी जगह है। और ये देखिए आपकी जो वार्डरोब है वो, इसमें भी स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है। कलर जो कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ इसी तरीके से दिया है इनका, जो बच्चों को पसंद आए। ऊपर की डिजाइन से एक बार आप देखिए, फिर हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। और ये जो बेडरूम है ये आपको मिलने वाला है अटैच्ड बाथरूम के साथ में, छोटा एक लॉबी एरिया। वहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका बेडरूम। इसमें भी एक किंग साइज का बेड यहाँ पे अरेंज किया है, लैंप लाइट्स यहाँ भी दी है। और जो वर्क है, काम है हेड की साइड, वो आप एक बार देखिए। वार्डरोब का जो पार्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है स्लाइडिंग डोर के साथ में यहाँ पे, जिसमें कि बहुत ही मतलब अच्छा स्टोरेज आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। साइड में भी अच्छी सी जगह है। ऊपर की डिजाइंस देखिए, फिर आप देखिए सामने की तरफ LED का जो पैनल है वो। और फाइनली बाथरूम आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फील आने वाला है, क्योंकि जो साइज है बाथरूम की वो बहुत प्यारी है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। और साइज आप देखिए काफ़ी बढ़िया साइज में आपको ये बाथरूम मिल रहा है। अब हम चलते हैं आपके लास्ट बेडरूम की तरफ। ये घर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। इसकी जो डिजाइंस है वो आपको कैसी लगी। आप अगर परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मेंशन किए हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट कर आप प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। ये अपना मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ी साइज में, इसमें आप एक बार जो काम देखिए वो किस तरीके का है। विंडो भी आपको सभी रूम्स में मिल रही है, तो वेंटिलेशन की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वार्डरोब आपको सभी बेडरूम्स में दिया जा रहा है। और सामने की तरफ जो LED का पैनल रहेगा आपका, वो मतलब लगभग जो आपके सभी बेडरूम्स है सब में आपको बड़ी साइज में दिया जा रहा है। इस साइड में आपका वार्डरोब एरिया, डबल वार्डरोब, पूरी आपकी सीलिंग की जो हाइट है वहाँ तक तैयार करके दी जा रही है। और यहाँ साइड में आपका ड्रेसिंग एरिया, मिरर यहाँ पे है, साथ ही आपका अटैच्ड बाथरूम। बाथरूम आपको जो तीन है, तीनों के तीनों अलग ही फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं। बहुत ही यूनिक तरीके के टाइल्स का यूज किया है, सैनिटरी वर्क काफ़ी अच्छा है। और जो शावर एरिया है, शावर जो आपका है वो आपको यहाँ पे ऊपर लगा के दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक 25x48 की डायमेंशन में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा एक हाउस विजिट किया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ही है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की है।
आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, आपको यहाँ पे चैनल पे दिखाते हैं। आपका क्या सजेशन रहता है वो भी आप कमेंट में लिख दिया कीजिए। बाकी हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।